19 तारीख को सूचना मिली थी कि हमारा भाई उसका जितेंद्र बेटा है वो अपने थाने पर आया था गुमशुदगी दर्ज कराने कि मेरे पिताजी सुबह निकले थे जयपुर का नाम लेकर के, अभी जयपुर से जयपुर भी नहीं गए, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा और उनकी गाड़ी और फोन हमारे को नवाब का बेड़म खड़ी मिली है जिसकी हमने गुमशुदगी दर्ज कर ली। और फिर पूछताछ की तो यहाँ के लोगों ने बताया कि परसों हमने 2-2.5 बजे के आसपास यहाँ तालाब के पास बैठा हुआ देखा था जी, तो उसके आधार पर फिर आज हमने तालाब के लिए मतलब तलाशी ली, तो ये अपने टीम आ गई थी जहाँ बैठा था वहाँ तलाश किया नहीं मिला, फिर लोगों ने यहाँ देखा साइड में तैरता हुआ मिला कि भाई साइड में कौन है जिसको बाहर निकाला। क्या नाम है? सुरेश। कहाँ का रहने वाले? पुलिस वाला साथ में लो बात करो। आप क्या मानते हैं सर, क्या वजह रही है? वजह बता रहे हैं भाई कोई बैंक से लोन वोन ले रखा था, कर्जा था। न्यूज़ से बात कर रहे, बता रहे भाई लोग बता रहे हैं। दो मिनट न्यूज़ से बात कर रहे हैं। चौक में थाना लगता है। कितने दिन से लापता थे और क्या हुआ था? ये परसों से लापता थे जी, और जैसे मालूम पड़ा तो हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी, किसी ने देखा था यहाँ पे 2 बजे करीब, उसके बाद से दिखे नहीं, तो हमने फिर आज एप्लीकेशन करी गोताखोर बुला करके चेक कराए। तो क्या मानते हैं, क्या वजह रही है? वैसे कर्जा था सर पे। सर नाम क्या है भाई का? सुरेश कुमार रावाणी। कहाँ? आशा गंज। शादीशुदा थे? 50 साल की उम्र, 27 साल का बेटे, 2 बेटे इनके। कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं? नहीं, कोई सब। क्या काम करते थे? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। किसी तरह किसी का दबाव वगैरह था क्या? ये कुछ नॉलेज नहीं। आपका नाम? जी आपका नाम? सोनू राव। आप क्या लगते हैं? छोटा भाई।